हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंचों से आगामी त्योहारों को देखते हुए शनिवार को नहीं रहा लॉकडाउन, रविवार को यथावत रहेगा लॉकडाउन। शहर में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने दी जानकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। संडे के का जो लॉकडाउन है वो रहेगा और सैटरडे को कोई लॉकडाउन नहीं है। त्यौहार की जो तैयारियां हैं वो पूरी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है और लोगों से ये निवेदन किया गया है। कल शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक भी हुई थी कि लोग दोनों त्यौहार को अपने घरों में मनाएंगे और जो COVID-19 के अंतर्गत निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन करके सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। सर, रोड में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, पालन नहीं कर रहे, क्या करें? सभी लोगों से न केवल हम लोग अपील कर रहे हैं बल्कि नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग का जो टीम भ्रमण कर रही है वो मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ फाइन भी कर रही है, चालान भी किए जा रहे हैं और धारा 144 तोड़ने के अंतर्गत 188 के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।